गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम स्टाइल ब्लॉग। और हम हैं आपके सामने हाजिर एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आप मेरी शक्ल में देख सकते हैं। तो अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आपको देना चाहती हूँ धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। आज है धनतेरस और आप लोगों को सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। माँ लक्ष्मी, प्रभु कुबेर की आप लोगों पर कृपा बनी रहे, आप लोगों को धन की कभी कमी ना हो कोई भी। तो ये धनतेरस पर आप लोग जो भी मांगे माता लक्ष्मी से वो आपको मिल जाए। और वैसे तो मेरी दिवाली की सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो मेरे रूम की सफाई है वो हो चुकी है, लेकिन मुझे आज करनी है बेड की सफाई। मतलब बेड के अंदर जो कपड़े हैं, सर्दियों के कपड़े हैं, तो उनको भी थोड़ा ऊपर धूप में रखना है। धूप तो वैसे आज ज़्यादा लगी नहीं है, किसी टाइम लग रही है, किसी टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे उनको ऊपर छत में रखना है और कि थोड़ी उन पर हवा लग जाए, क्योंकि अप्रैल से वो बंद ही बंद है बेड के अंदर, मैंने उनको निकाला नहीं है। तो और बेड में जो है थोड़े छोटे कॉकरेज भी हो चुके हैं, तो उनकी भी मतलब पूरी सफाई हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी आज वो काम कर लेती हूँ और इसके बाद बच जाएगा मेरे पास फिर डेकोरेशन का काम दिवाली का। वो या तो मैं शाम को कर लूँगी या फिर कल को कर लूँगी, जो दिवाली में डेकोरेशन होती है। वैसा ज़्यादा कुछ तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत है मुझे करनी है। तो अभी मैं साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाऊँगी और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग्स में। ये देखिए, ये और ये दिवाली की सफाई, इसे बोलते हैं दिवाली की बहुत ही डीप सफाई। ये देखिए पूरा घर फैला हुआ है। ऐसा करना तो बहुत पहले चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ, पर हो जाएगी थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैंने सुबह आपको दिखाया था कि मैं सफ़ाई कर रही हूँ आज बेड की, तो फाइनली मेरी सफ़ाई कंप्लीट हो चुकी है और अभी मैं करूँगी डेकोरेशन। और वो डेकोरेशन मैं आपको दिखाऊँगी दिवाली के दिन। अभी फ़िलहाल मैंने ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दरवाज़ों के बाहर दिए जला दिए, धनतेरस पर दिए जलाना शुभ होता है। ये हमारी कॉलोनी की रौनक देखिए आप लोग अभी से। अभी पूरी तरह लाइटिंग लगाई नहीं है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक लगाई नहीं है, वो भी लगाएंगे तो उसके बाद बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। मैंने जस्ट अभी मंदिर में दिया जलाया और उसके बाद जो है यहाँ बाहर पर भी दिए जलाए हैं। गाइस, आप मुझे देख रहे होंगे अभी शॉल ओढ़े हुए, वो भी रूम के अंदर, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी थोड़ी सी और काफ़ी हवा भी चल रही थी, इस वजह से देहरादून में तो ठंड हो गई है और मैंने गैस पर भी रखा है दूध गर्म करने के लिए। तो आज धनतेरस है और मैंने जो कुछ भी नहीं ख़रीदा, क्योंकि मुझे मार्केट जाने का टाइम ही नहीं मिला। थोड़ा सा गई भी थी तो कुछ ख़रीदा नहीं और ऐसे कोई नीड भी नहीं थी बर्तन की, खैर कोई बात नहीं। लेकिन आज सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आज सबसे अच्छी बात हुई कि आज धनतेरस के दिन मुझे मतलब मेरे हाथों में लक्ष्मी जी आ गई। और ये लक्ष्मी जी कैसे आई, क्योंकि मेरे पास जो था एक छोटा सिलेंडर था पुराना, जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास अब बड़ा सिलेंडर है। तो मेरे पास जो था एक छोटा सिलेंडर था पुराना और वो कबाड़ी वाला आया हुआ था बाहर गली में, आवाज़ लगा रहा था। मैंने सोचा क्यों ना, जब मैं सफाई कर ही रही हूँ तो ये मेरे काम का है नहीं तो मैं इसको दे देती हूँ। तो मैंने उसको दे दिया और वो सिलेंडर 60 रुपये में गया, क्योंकि मैंने उसको यूज भी कर लिया था तीन साल हाँ। तो सबसे अच्छी बात तो है कि आज धनतेरस के दिन ही धन मिलना, चाहे वो जितना भी मिला है, 50
50-60 जितना भी मिला है, लेकिन मिलना बहुत ही ज़्यादा शुभ है और इस बात की मुझे खुशी है, पहली बार हुआ है मेरे साथ। तो आज धनतेरस का दिन है, तो ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ कल तक भी के लिए, क्योंकि इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। सफाई पे ही लगी रही, उसके बाद डेकोरेशन जो है वो भी मैंने थोड़ी बहुत की है, बाकी का काम जो मैं कल करूँगी। थोड़े सा मार्केट भी जाना है कल को, थोड़ा सामान लेना है, और इसलिए हम इस ब्लॉग को कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए गुड नाइट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, और एक नए दिन के साथ आज फिर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि ये कल का ही ब्लॉग कंटिन्यू है, मैंने कल का ब्लॉग पूरा नहीं किया था। तो आज है रूप चौदस, जिसे कि नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो आपको रूप चौदस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माँ लक्ष्मी और प्रभु श्री गणेश जी का आशीर्वाद आप लोगों पर सब पर बना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो अभी है सुबह का टाइम और मैंने कपड़े धो लिए हैं, तो मैंने सोचा कि कल तो दिवाली है, बड़ी दिवाली, तो उतना टाइम मिलेगा नहीं, तो आज मैं कपड़े धो लेती हूँ। ये देखिए गाइस, मेरे कपड़ों से भरी हुई बाल्टी है और यहाँ पर डालने हैं। मुझे बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है, सुबह तो बारिश आई, कल शाम को भी, कल रात को भी बारिश आई थी और आज सुबह भी बारिश आई। उस बारिश से ठंडा भी हो गया है, लेकिन अभी देखो बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है, इसलिए मैंने कहा चलो मैं कपड़े धो लेती हूँ। और ये देखिए, ये जैक्सन, इससे मैंने आपको नहीं मिलवाया, ये हमारी कॉलोनी का कुत्ता है, पालतू है वैसे, लेकिन इसे इतनी आदत पड़ी हुई है हमारे यहाँ पर आने की, बिल्डिंग में आता है जबकि मेरा जो रूम है वो सबसे ऊपर है, लेकिन मेरे रूम के बाहर ही बैठ जाता है, क्योंकि मैं इसको देती रहती हूँ बिस्किट वगैरह, रोटी, कुछ भी। तो ये देखिए जैक्सन, 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 देखो अभी ये धूप में लेटा हुआ है, इसको भी ठंड लग रही है, बारिश से इतना फ़र्क पड़ा है कि इसको भी ठंड लग रही है। तो गाइस, कपड़े तो मैंने धो लिए, अब मैं इनको सुखाती हूँ और इसके बाद मुझे थोड़ा जाना है मार्केट, यहीं पास के मार्केट है ब्रह्मपुरी, जो हाँ मैंने आपको पहले भी दिखाया था। तो मार्केट जाती हूँ, थोड़े बहुत दिए कम पड़ते हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे बाहर भी लगाने दिए और अंदर रंगोली के चारों तरफ भी लगाने हैं, तो थोड़े बहुत थोड़े से और ले लेती हूँ दिए। और इसके अलावा मुझे थोड़ी सब्ज़ी भी लेनी है कल के लिए, तो कल क्योंकि भीड़ हो जाएगी इसलिए मैंने सोच रही आज ही ले लूँ। और बस अभी काम निपटा कर मैं जाती हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ मेरे व्लॉग में। और अगेन आपको रूप चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं गई थी मार्केट, मार्केट मतलब ये पीछे कॉलोनी में, और वहाँ से मैं ला रही हूँ, ये देखिए दिवाली का सामान, ये सब्जी है, आलू गोभी, और एक ये पोस्टर लेके आई मैं माता रानी का। तो मेरी तो जो है दिवाली की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हो रही, कुछ ना कुछ लगा ही है। तो मुझे लगता है कि दिवाली एक त्यौहार ही ऐसा है कि कितनी भी शॉपिंग कर लो, आपको लगता है कि अभी और बाकी है, अभी और बाकी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है इंडिया का सबका, तो इसलिए इसकी शॉपिंग होती रहेगी। तो अभी मैं तेल वगैरह लाई थी, सब्जी लाई थी, छोले लाई थी कि कल दिवाली है तो बनाने के लिए। और सच बताऊँ, महंगाई तो इतनी है, मैं क्या बताऊँ, मतलब जो छोले हैं वो 200 रुपये किलो पर जा रखे हैं, मतलब कोई गरीब जो होता, जो होगा वो कैसे सरवाइव करेगा, जो मतलब एकदम, मतलब जिन लोअर क्लास बोलते हैं, तो वो कैसे सरवाइव करेगा त्योहारों में, जिनका जिनका परिवार बड़ा होता है, कम से कम उनके 1 किलो छोले तो लगेंगे फेस्टिवल पर, 200 रुपये किलो छोले हो रखे हैं, तेल इतना महंगा, हर चीज़ में महंगाई है। तो खैर कोई बात नहीं, ये सब तो लगा ही रहेगा। तो अभी भी पूरी तरह शॉपिंग नहीं हुई है, क्योंकि मुझे ख़रीदनी थी एक फूलों की माला, गेंदे के जो फूल होते हैं पूजा के, वो ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने सोचा अभी से ख़रीद के मैं क्या करूँगी, मेन जो दिवाली की लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है वो कल ही होती है, तो मैं सोच रही थी कल मैं दिन के टाइम एक चक्कर लगा लेती हूँ उसी टाइम, क्योंकि वो फूल मुरझा जाएंगे फिर, सूख जाएंगे पूरी तरह। और इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से रूप चौदस की शुभकामनाएं देती हूँ। रूप चौदस जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, काली चौदस भी कहते हैं और छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट व्लॉग में, दीपावली के व्लॉग में।
दिवाली तो मैं चाहे अकेली, मेरी एक आदत है, मैं चाहे यहाँ पर भी मैं अकेली रहती हूँ, लेकिन मैं चाहे अकेली रहूँ या साथ में रहूँ, मुझे लगता है कि फेस्टिवल तो आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अकेले रहते हो तो क्या ही सेलिब्रेट करें। मैंने तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उतनी शॉपिंग की, डेकोरेशन की भी, हर चीज़ की भी, यहाँ तक कि मैंने लड़ी भी लेके आई, रूम के अंदर लगाई हुई है, मैं आपको कल दिखाऊंगी। तो मुझे लगता है कि त्यौहार अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप इसी तरह सोचते रहे कि अकेले हैं क्या सेलिब्रेट करें, तो ज़िंदगी यूँ ही निकल जाती है। इसलिए चाहे आप परिवार के साथ हो, चाहे दोस्तों के साथ हो, या अकेले ही क्यों ना हो, आपको फेस्टिवल अच्छे से मनाने चाहिए। और आपको मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हैप्पी रूप चौदस।